लास्ट क्वेश्चन, शुड आई चेंज माई करियर एट द एज ऑफ 40? Which I wanted to pursue. Tough one. क्या मैं 40 की उम्र में अपना करियर चेंज कर सकता हूँ जो मैं परसू करना चाहता था? My answer to you is, जिंदगी में जब भी कोई चीज स्विच करनी हो ना, फ्लिप करनी हो, तो उसमें कोई 5-10 चीजों का ख्याल रखना होता है. नंबर एक, देखें 12-13-14 के बच्चे को फेल होते हैं, अपनी लाइन चेंज करनी है, तो उसकी फिर टेंशन नहीं होती. उनको उसके साथ बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, खानदान नहीं है, शरीका नहीं है, ससुराल नहीं है, महका नहीं है उसका, आई थिंक उसके लिए इतनी टेंशन नहीं होती. तो 2 मिनट के तक यूँ हो जाए और 2 मिनट में बाल यूँ हो जाए, 2 मिनट में बाल यूँ हो जाए, 2 मिनट में बेड हेड स्टाइल आ जाए, 2 मिनट में चेक की शर्ट आ जाए, 2 मिनट में, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता. 40 साल का इंसान तो एक मैच्योर इंसान है, कामिल इंसान है. शादी भी उसकी होगी, बच्चे भी उसके होंगे, लोग भी उसे जानते होंगे, एक उसकी एक यूनिफॉर्म किस्म की मोबिलिटी होगी जो लोग रोज देखते होंगे उसकी. अब जो आपने परसू नहीं किया हुआ ना, जब आपने वो परसू करना होता ना, तो इसमें मैं अक्सर मिड 20s और मिड अपने 18 साल से 28 साल के लोगों को ये कहता हूँ कि 60-40 की जंप लेना, यानी 60% अपना रिस्क आपने वो रखना है जो कन्फर्म है, इसमें आपको गारंटी है. 40% का रिस्क लेता है, 60% मतलब अगर आप इंजीनियर हैं तो 60% इंजीनियर रिलेटेड लाइफ होगी या 70%, तो आपकी उसमें से अगर 100% आप इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब कर रहे हैं और इंजीनियरिंग रिलेटेड आपका करियर है, तो आपने उसमें से अगर अपना कोई ख्वाब परसू कर लेना, तो 70 रखेंगे आप अकाउंट में, 30% का रिस्क लेंगे आप आगे से. इसे कहते हैं 60-40-70-30 का रिस्क. तो उसमें कल को अगर नुकसान भी होगा ना, और आपका वो उस फील्ड में एंट्रेंस से आप नहीं भी कुछ काबिल हो सके, तो आपका 30% का लॉस होगा, 70% लाइफ अभी भी सिक्योर है आपकी. वो 30% में आप क्लास शुरू कर दें, किसी के साथ जुड़ जाएं, कोई बिजनेस के अंदर हाथ डाल दें, कोई नई कंपनी खोल दें, कुछ भी, 30% इन्वेस्टमेंट होगी माइंड मनी एंड फिजिकल एंड द एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज. 90-10 की अगर आपने जंप ले लिया ना प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद, तो भजन उसके साथ आप तो चले बर्दाश्त कर सकते हैं, कि आपको भी झटका लग सकता है कि वो 90% के रिस्क में आप चले गए, आपने पूरी ही 90% अपनी सर्टेंटी वाली लाइफ छोड़ी है, रिस्क में आ गए, ग्रे में आ गए, 10% सर्टेंटी रखी हुई है आपने, 10% कन्फॉर्मिटी रखी हुई है. अगर बिलफर्स पैर उखड़ गए ना, तो आपको भी बड़ा झटका लग जाएगा, लेकिन आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं ना, वो पागल हो जाएंगे आपसे. तो एक तो इंसान अपना पागलपन तो बर्दाश्त कर सकता है, वो भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब लोग गिर्द के पागल और एजिटेट और फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, तो आदमी पागल हो जाता है उस टाइम. तो आपने 40 की एज में आके जब ये करना, तो मेरा सवाल इस पर ये है कि जो आपकी प्रेजेंट लाइन है वो कितनी इस्टेब्लिश्ड है, उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, उसके साथ सैलरीज हैं, पैसे हैं, फैमिली है, लोगों के खर्चे हैं, किचन एक्सपेंसेस हैं, फिर लोगों के आपके साथ कन्वीनियंसेस वगैरह, ये सारे. अब आपने अगर अपना वो परसू भी करना है ना, तो मैं कहूँगा 20-25% तक उसको ऑन करिए, 75% रिलैक्स रखें, वो 25% जब मेच्योर हो जाए और आप उसमें काबिल हो जाए और आप उसका नाम बना लें अपना, उसके अंदर आप फुल नेचुरली उसमें टैंक्ड हो जाए, फिर उसको 25-40 पे लेके आए. जब वो 50-50 के ऊपर स्टैब्लिश हो जाए ना, वो करियर, वो शौक, वो आदत, वो मोहब्बत और या वो जो भी पैशन था, फिर बात चलाएं अपने सिस्टम में हल्की हल्की कि भाई मैं अब इसमें 50% एक्सेल करके इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक ले आ चुका हूँ, इस सोच को यहाँ ला चुका हूँ, मैं अब अपना 50% जो मेरा सर्टेन है जहाँ पर मैं स्टैब्लिश हूँ अपनी 40 की उम्र में, मैं इसे छोड़ के इधर आना चाहता हूँ. तो उसमें आपने फिर लोगों का कॉन्फिडेंस हासिल करना है, कल को झटका लग गया तो वो साथ हो, फिर उसके अंदर आप 50% का स्विच करेंगे वहां पर. ये वर्ड है ये आपका माइक खुल गया मेरे ख्याल से, पीपीएफ वालों का किसी का माइक खुल गया, आपकी आवाज आ रही है. तो पॉइंट यहाँ पर ये है, बस लास्ट क्वेश्चन है कि जो स्विच करना है ना, उसके अंदर हम मेच्योर लोग हैं तो हम मेच्योरिटी के साथ स्विच लेंगे, और अगर आपने रिस्क भी लेना है तो सिस्टम को अकाउंट में लेके घर वाले फैमिली लोग, ताकि वो स्ट्रांग रहें आपके साथ, उनके हर नए पैशन के अंदर महज सिर्फ पैसा और कैपिटल नहीं लगता, और बहुत कुछ चाहिए होता है उस करियर को परसू करने के लिए, महज पैसे से नहीं चल सकती गेम. फिर भी अगर आप लेने के लिए जा रहे हैं, तो अल्लाह से दुआ भी करें, इस्तखारा भी करें, और अभी भी कहूँगा सेफ प्ले करें, और सेफ प्ले जब आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, 2-3-4 साल उसमें लग के फिर एक लंबी जंप ले, तो ज्यादा बेहतर होगा, मेरा इस पर अपना तजर्बा है. जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासना जज़ा. आज की बात में अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मैं माजरत चाहता हूँ, जो हक बयान किया वो कल भी मैंने
कौम की भले और बेहतरी के लिए किया, यही मेरी ज़िंदगी है, यही हमारा काम है, यही मुसलमान का शेवा होना चाहिए। पीपीएफ वालों को सबको आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने जो है वो सबका मशकूर हूँ, मकरूज हूँ, दोनों साइड की मैनेजमेंट जो काम करनी है लोगों के भले के लिए, जो लोग सुन भी रहे हैं सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, मेरे लिए भी दुआ करिएगा, मेरी सेहत के लिए भी दुआ करिएगा, और अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आफियत में रखे। हमारे एक बहुत बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं, मेरा शगिर्द भी है, हमारा साथी भी है, और हमें और पी पी एफ के साथ उसका ताल्लुक भी है, अब्दुल्ला महमूद कुरैशी के वालिद साहब की फौत की हो गई, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा फिर लहुम खैरुल आखिरीन।